हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम कूपर की एक बहुत ही फेमस पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत एक रिलीजियस पोएम है जिसमें ईश्वर की महानता और उसकी दया का वर्णन किया गया है पोएट के द्वारा। दिस ब्यूटीफुली हिम पब्लिश्ड इन द 1779 ऑल ने हे, ये ब्यूटीफुल हिम है जो कि पब्लिश हुई थी 1779 में ऑल ने हिमनल में। इज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट टू लाइंस हैं उनके लिए। द आइडिया दैट गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे हिज वंडर्स टू परफॉर्म एंड्योर्स इन काउंटलेस लिटरेरी एंड पॉप कल्चर रेफरेंसेस। जो लाइन आइडिया है, गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे और हिज वंडर्स टू परफॉर्म, ये कई बार लिटरेरी और पॉप कल्चर रेफरेंसेस में काउंटलेस, मतलब जिनकी काउंट नहीं किया जा सकता, इतनी बार इन लाइंस का रेफरेंस दिया गया है। इन लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस कूपर एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप। कूपर जो है एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड, गॉड और वर्ल्ड के बीच में, एंड हाउ टू रिएक्ट टू गॉड्स अनफेदमेबल पावर। और गॉड्स की जो अनफेदमेबल, जिसे कोई नाप नहीं सकता, उस पावर को कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में पोइट बात करते हैं। चलिए पोइम स्टार्ट करते हैं। गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे, गॉड जो है वो एक मिस्टीरियस वे में मूव करते हैं। उनका जो वो वे है वो हर किसी को समझ में नहीं आता है, वो अपने तरीके से मूव करते हैं। His wonders to perform, और वो अपने ही तरीके से अपने wonders को, अपने works को perform करते हैं, जिसका ये human being को idea भी नहीं रहता है और वो समझ नहीं पाते हैं। He plants his footsteps in the sea, God के अंदर इतनी power है कि वो अपने footstep plant के, अपने footsteps जो हैं वो sea पर रखते हैं और वो डूबते भी नहीं हैं। एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म के ऊपर राइड्स करते हैं, मतलब गॉड क्या करते हैं ये उनको ही पता रहता है और किसी को नहीं। डीप इन अनफेमेबल माइंस, अनफेमेबल माइंस होता है जिन्हें कोई नाप नहीं सकता, गहरी उन माइंड्स में जिन्हें कोई नाप नहीं सकता है, वहाँ भी गॉड की गॉड जा सकते हैं, देख सकते हैं। ऑफ नेवर फॉलिंग स्किल, और गॉड की नेवर फॉलिंग मतलब कभी असफल नहीं होने वाली स्किल होती है। ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइंस, वो ट्रेजर अप करते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं एक खजाने के रूप में अपनी ब्राइट डिजाइंस को, और उन ब्राइट डिजाइंस को वो किसी को शो नहीं करते हैं। एंड वर्क्स हिज सॉवरेन विल, और अपनी विल के अकॉर्डिंग, उनकी जो सर्व शक्ति है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ये फियरफुल सेंट्स, पोइट यहाँ पर सेंट्स से बोलता है, संतों से बोलता है कि तुम इतने डरे हुए मत हो। फ्रेश करेज लो द क्लाउड्स ये सो मच ड्रेड, ये जो क्लाउड्स है ये इतने भयानक दिख रहे हैं। आर बिग विद मर्सी, ये मर्सी से भरे हुए हैं। एंड शेल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, और जब ये कभी फटेंगे टूटेंगे तो ये ब्लेसिंग्स होगा तुम्हारे सिर पर। पोइट कहना चाह रहा है कि इंसान जो कि परेशानियों को देख करके घबरा जाते हैं, वो नहीं जानते कि इन परेशानियों के बाद उनके सामने एक हैप्पी टाइम आएगा,
और ये जो बादल है प्रॉब्लम्स के, ये ख़त्म हो जाएंगे। वो कहना चाह रहा है कि ये जो बादल्स है, मतलब ये जो क्लाउड्स हैं, वो मर्सी से भरे हुए हैं, और ये जब कभी टूटेंगे, मतलब कभी बारिश होगी तो एक मीनिंग तो ये है कि जब कभी बारिश होगी तो किसान के लिए बहुत, लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, मतलब उनकी पूरी जीवन अपने ही बारिश के ऊपर टिका रहता है। और दूसरा मीनिंग ये है कि मतलब जब उनकी परेशानियां ख़त्म होंगी तो उनका हैप्पी टाइम आएगा, और तब वो ईश्वर की महानता को महसूस कर पाएंगे। जज नॉट द लॉर्ड बाय फ्यूअल सेंस, तुम उस लॉर्ड को, गॉड को जज मत करो फीवल सेंस, अपनी कमज़ोर इंद्रियों से। फीवल मीन्स कमज़ोर। वही कह रहा है कि अपनी कमज़ोर इंद्रियों से, मतलब थोड़ी सी परेशानी आते ही तुम ईश्वर को भला बुरा कहने लग जाते हो, तो वो मत करो। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, उसकी ग्रेस के लिए, उसकी कृपा के लिए उस पर ट्रस्ट करो। बिहाइंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस, फ्राउनिंग मतलब क्रोधित प्रोविडेंस फेस, एक कठोर क्रोधित चेहरे के पीछे ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस, वो अपना स्माइलिंग फेस छिपा करके रखते हैं, मतलब वो कठिनाइयाँ देते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। अगर परेशानियाँ आती है जीवन में तो उनके बाद हैप्पीनेस भी आती है, वो परेशानियाँ एंड हो जाती है और हैप्पी टाइम आ जाता है। हिज पर्पजेस विल राइपन फास्ट, गॉड का जो पर्पस होता है वो बहुत जल्दी सामने आता है। अनफोल्डिंग एवरी आर, वो प्रत्येक आर वो हमारे सामने अनफोल्ड होता है, ओपन होता है। द वर्ड मे हैव ए बिटर टेस्ट, कि हो सकता है वर्ड का टेस्ट बिटर हो, बट स्वीट विल बी द फ्लावर, लेकिन जो फ्लावर होगा वो स्वीट होगा। मीन्स कि हो सकता है शुरुआत में जब परेशानियाँ आती हैं और जब हम उन परेशानियों से लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, हमें वो परेशानियाँ बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उन परेशानियों का सामना करते करते उनको सॉल्व कर लेते हैं, उन परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं, तो तब हमें अपने उन परेशानियों से सामना करने का मेहनत का फल मिलता है, तो वो फल बहुत स्वीट होता है। ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू हेयर, कि अंधा विश्वास उस गॉड के ऊपर, उसके विश्वास पर विश्वास नहीं करना गलत है, गॉड पर विश्वास करना चाहिए। एंड स्कैन हिज वर्क्स इन वेन, और उसके वर्क को स्कैन करना, मतलब ईश्वर को भला बुरा कहना बहुत ही गलत है, वेन व्यर्थ है। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर, गॉड तो खुद अपना खुद इंटरप्रेटर है, हम उनके वर्क्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ही कैन ओनली डिफाइन हिज ओन वर्क्स एंड ही विल मेक इट प्लेन, और वो टाइम आने पर अपने वर्क्स को प्लेन बना देता है, ईजी बना देता है। तो ये थी पोएम द लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, जिसमें पोइट जो है वो ईश्वर के वर्क्स के बारे में बातें करता है, ईश्वर के बारे में बातें करता है कि ईश्वर के वर्क्स को वही समझ सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्क्स ऑफ गॉड एंड ही डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्क्स ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर को, मनुष्य को उनके वर्क्स को एनालाइज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्हेन द राइट टाइम विल कम ही विल अनफोल्ड हिज वर्क्स एंड मेक्स प्लेन। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।